अगर आप हाई ब्लड प्रेशर से परेशान हैं और जानना चाहते हैं कि पूरे दिन में आपको किस वक्त में क्या चीज़ खानी है, कितने मिकदार में खानी है और क्या कुछ आप खा सकते हैं, तो इस वीडियो को देखें। इसमें मैंने आपके लिए पूरा एक मील प्लान बताया जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगा। और हम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, आई एम जोहा सोहेल। आई एम वर्किंग एज ए सीनियर लेक्चरर एट रैशनलिटी मेडिकल कॉलेज एंड क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एट मरहम। आज मैं यहाँ बात करूँगी ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के हवाले से कि उनका पूरे दिन का डाइट प्लान किस तरह से होना चाहिए ताकि उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रेंजेस में आना शुरू हो जाए और ज़्यादा बढ़ने की तरफ ना जाए। सबसे पहले मैं सुबह निहार मुँह के वक्त से शुरू करूँगी कि सुबह 6 से 6:30 बजे के दरमियान आपको क्या इस्तेमाल करना चाहिए कि जो आपके ब्लड प्रेशर के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो। तो सबसे पहले निहार मुँह आपने एक ग्लास पानी के साथ एक लहसुन का पीस कंज्यूम करने, क्योंकि लहसुन में हमारे पास एलिसिन मौजूद है जो कि आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत बेहतरीन है। क्योंकि ब्लड प्रेशर हमारा तब बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है जब हमारे खून के शरणें बहुत ज़्यादा तंग होनी शुरू हो जाती हैं, और एलिसिन का एक रोल है कि वो आपकी वेसल हेल्थ को, आपकी खून की शरणों को बेहतर करता है ताकि ब्लड प्रेशर का जो फ्लो है वो वहाँ पर ठीक चलता रहे। इसके अलावा 8 से 8:30 बजे का जो वक्त है जिसमें हम नाश्ता कंज्यूम करते हैं, उस टाइम में आपको ऐसी चीज़ों को ऑप्ट करना चाहिए जिसमें छान और फाइबर बहुत ज़्यादा मौजूद हों। क्योंकि अगर आप लोग रिफाइंड चीज़ों की तरफ आएंगे, वो अगेन आपकी बॉडी में चिकनाई की सूरत में स्टोर होंगी जो आपके खून के शरियानों को ब्लॉक करेंगे। तो अगर आप डबल रोटी का इस्तेमाल करें तो कोशिश करें कि चोकर वाली डबल रोटी लें जिसको हम ब्रांड ब्रेड कहते हैं। मैं ब्राउन ब्रेड की बात नहीं कर रही, मैं ब्रांड ब्रेड की बात कर रही हूँ, क्योंकि ब्राउन ब्रेड वो ब्रेड है कि जिसको रंग दे के सिर्फ ब्राउन कलर दिया गया होता है। आपने वो ब्रेड लेनी है जिसके ऊपर आपको उसका चोकर, उसका फाइबर लगा हुआ नज़र आए। इसके अलावा बहुत से लोग सुबह नाश्ते में रोटी का इस्तेमाल करते हैं, चपाती का इस्तेमाल करते हैं, तो कोशिश करें कि ऐसे आटे की चपाती बनाएं जिसमें उसका छान एडेड हो। आप छान साफ़ करके अपने रोटी में दोबारा से ऐड ऑन कर लें। इसके अलावा दलिया का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा लोग करते हैं। यहाँ मैं रिकमेंड करूँगी कि हाइपरटेंसिव पेशेंट्स ओट्स का दलिया अपनी लाइफस्टाइल में ज़रूर लेकर आएँ, क्योंकि ओट्स में एक तो हमारे पास फाइबर मौजूद है और इसके साथ साथ हमारे पास पोटाशियम मौजूद है। पोटाशियम ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। सो अगर आप इन 3 चीज़ों को अपने नाश्ते में स्टेपल के फॉर्म में रखते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स अक्सर ये बात करते हैं कि अंडे की जर्दी हम नहीं कंज्यूम करते, हम सिर्फ सफ़ेदी कंज्यूम करते हैं, जो कि ख़राब प्रैक्टिस है। अंडे की जर्दी बिल्कुल आप कंज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि उसमें हमारे पास omega-3 fatty acids हैं जिसको हम गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। हमारी बॉडी में जाकर अंडे की जर्दी कोई मुनफी असरात नहीं लेकर आती, बल्कि वो हमारे लिए बेनिफिशियल इम्पैक्ट्स लाती है। सो आप ऑमलेट की फॉर्म में ले सकते हैं, आप उसको बॉयल एग की फॉर्म में ले सकते हैं, इवन आप अंडे को पानी के अंदर भी बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। बट फ्राइड एग की तरफ ना जाएं, क्योंकि उसमें आप एडिशनल ऑयल ऐड ऑन करते हैं जो कि थोड़ी सी कैलोरीज को बढ़ा देते हैं, तो जो आपके लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। इसके अलावा कोशिश करें कि आप सुबह नाश्ते में फ्लैक्स सीड्स का इस्तेमाल, जिसको अलसी के बीज कहते हैं, उनको ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि उसमें भी omega-3 fatty acids मौजूद हैं जो आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। बहुत से लोगों को ब्लड प्रेशर होने की शिकायत तब होती है जब उनके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़ जाते हैं, और कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करने के लिए ज़रूरी है कि ऐसी चिकनाई का इस्तेमाल करें जो उनको कम करें। जैसे अंडे की जर्दी की बात मैंने की, उसमें omega-3 fatty acids हैं। अलसी के बीज की बात की, उसमें भी omega-3 fatty acids हैं जो आपकी बॉडी से बैड कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकालने में रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा नाश्ते में चाय का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि चाय के इस्तेमाल से कैफीन अंदर जाती है जो कि न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन को रोक सकती है, और कैफीन ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स वैसे भी उनको रेकमेंड नहीं की जाती, क्योंकि अगेन इसका खून की शरियानों को ब्लॉक करने में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रोल आ जाता है। तो कोशिश करें कि नाश्ते में दही का इस्तेमाल या दूध का इस्तेमाल करें, लेकिन दही और दूध में भी एक लिमिटेशन यहाँ पर मैं ज़रूर देती हूँ कि आपने उसको 3 मरतबा बॉयल करना है। ओवरवेट पेशेंट्स को हम रेकमेंड करते हैं कि आपने इसको 2 मरतबा बॉयल करना है, लेकिन जहाँ पर हार्ट हेल्थ का मसला आ जाता है वहाँ पर हम पेशेंट से कहते हैं कि आपने 3 मरतबा दूध को बॉयल करना है, उसके बाद ऊपर जितनी बार क्रीम आएगी अपने 3 मरतबा वो क्रीम रिमूव करके आपने फिर वो दूध कंज्यूम करना है। सो नाश्ते में आपने होल वीट, कोई भी चीज़ है जो आपके फुल पैकेज चीज़ें इस तरह के, उसका इस्तेमाल करें। साथ में आप प्रोटीन बेस्ड एग कंज्यूम कर सकते हैं, और इसके साथ साथ आप मिल्क प्रोडक्ट्स में दूध या दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जब मैं 10 से 11 बजे के वक्त के बारे में बात करती हूँ, जिसको हम मॉर्निंग स्नैक कहते हैं, मॉर्निंग स्नैक कह रहे होते हैं, तो इस टाइम पे आपने कोई से 2 फलों का इस्तेमाल ज़रूर करना है, क्योंकि ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स को दिन में 4 फल
और चार ही सब्जियां ज़रूर कंज्यूम करनी चाहिए। सो दो फल मैं इस टाइम पे रिकमेंड करती हूँ, और कोशिश करें कि ऐसे फलों का इस्तेमाल करें कि जिसका छिलका आपके अंदर जाए, जिसमें आप जैसे सेब इस्तेमाल कर सकते हैं, आजकल मौसमी बहुत अवेलेबल है, माल्टा अवेलेबल है, किन्नू आगे अवेलेबल हो जाएंगे, तो उसमें आप ऑब्वियसली उसका ऑरेंज छिलका तो कंज्यूम नहीं करेंगे, लेकिन जो उसका वाइट छिलके अंदर लगे होते हैं, जिसको हम उतार देते हैं, आपने वो कंज्यूम करने हैं। क्योंकि जितना फाइबर छिलका हमारे अंदर जाता है, पील फल का हमारे अंदर जाता है, उसके जाने से वो फाइबर अपने साथ फैट को बाइंड करता है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल होती है, और हमारी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल के नॉर्मल रेंजेस लाना शुरू हो जाते हैं। इसके साथ साथ आप यहाँ पर नट्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, आधा अखरोट इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप साथ बादाम भी ले सकते हैं, लेकिन ये टोटली डिपेंड करता है कि आपका कंसल्टेंट आपको इस टाइम पे नट्स रिकमेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लेकिन जनरली पेशेंट्स को मैं यूजुअली इस टाइम पे जरूर रिकमेंड करती हूँ, क्योंकि वॉलनट पे भी गुड फैट्स हैं जो कि एचडीएल को बनाते हैं और एलडीएल को ख़त्म करते हैं, और आलमंड्स जिनको हम बादाम कहते हैं उनके अंदर भी इसी तरह का रोल आ जाता है। इसके अलावा जब मैं लंच की तरफ आती हूँ, जो बहुत से लोग 1 से 3 बजे के दरमियान में करते हैं, इस टाइम में आपने कोई सी भी 3 ग्रीन सब्जियों का इस्तेमाल ज़रूर करना है सैलड की फॉर्म में, जिसमें आप एक खीरा इस्तेमाल कर सकते हैं उसके पील के साथ। इसके अलावा बहुत से लोगों को शिमला मिर्च पसंद होती है, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत से लोगों को पालक पसंद होती है, आप पालक बॉईल करके इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत से लोगों को कद्दू पसंद होते हैं, आप कद्दू इस्तेमाल कर सकते हैं। बट आपको ये मेक श्योर करना है कि आपने लंच के वक्त में 3 सब्जियां ज़रूर इस्तेमाल करनी है, और उनकी क्वांटिटी आप पे डिपेंड करता है, आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, तो जो आपका कंसल्टेंट आपको बताएगा। लेकिन 3 सब्जियां जो हरे रंग की प्रेफरेबली हों, आपने वो ज़रूर लेनी है। इसके अलावा इस सैलड बाउल के अंदर आपने चने ऐड ऑन करने हैं, जिसमें आप काले चने ऐड ऑन कर सकते हैं, जिसमें आप सफ़ेद चने ऐड ऑन कर सकते हैं, जिसमें आप इवन लोबिया भी ऐड ऑन कर सकते हैं। और इसकी सीजनिंग के लिए इसमें नमक ऐड ऑन ना करें, इसमें काली मिर्च ऐड ऑन करें, क्योंकि काली मिर्च हमारी बॉडी में फैट सेल्स को बनाने से रोकती है, और मोटापे के अंदर, हाइपरटेंशन के अंदर, ब्लड प्रेशर के अंदर यूजली फैट सेल्स ज़्यादा होने की वजह से ही ये मसले भर रहे होते हैं। सो काली मिर्च का इस्तेमाल रखें, ग्रीन चिल्ली का इस्तेमाल रखें, क्योंकि जिस तरह से मैंने बताया कि हरी सब्जियाँ आपने ज़रूर कंज्यूम करनी है, हरी सब्जियों के खाने से हमारे अंदर फॉलेट जाते हैं, जिसको फॉलिक एसिड कहते हैं। फॉलिक एसिड हमारी बॉडी में होमोसिस्टीन एक अमाइनो एसिड है, उसकी प्रोडक्शन को कम करते हैं, और ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स में यही हो रहा होता है कि होमोसिस्टीन भर रहा होता है, जिस वजह से उनकी खून की शनाइयां तंग हो रही होती हैं। सो जितनी आप हरी सब्जियों का इस्तेमाल करेंगे, फॉलिक एसिड का इस्तेमाल करेंगे, उतना होमोसिस्टीन कम बनेगा, आपकी खून की शनाइयां बिल्कुल ज़्यादा कंस्ट्रिक्ट नहीं होंगी और वो नॉर्मल रहेंगी। सो सीजनिंग के लिए आप काली मिर्च इस्तेमाल कर सकते हैं, हरी मिर्च इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़ीरा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ब्लड प्रेशर कि अक्सर पेशेंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा पानी रिटेन हो रहा होता है, जिस वजह से उनका खून के जो फ्लो है, जो ब्लड प्रेशर है, वो बढ़ रहा होता है। और ज़ीरे की एक प्रॉपर्टी है कि वो डायूरेटिक है, जितना ज़्यादा इजाफी पानी हमारी बॉडी में होता है, ज़ीरे का फंक्शन है कि वो उस पानी को हमारी बॉडी से निकालता है। सो इन 3 से 4 चीज़ों के साथ अपने सैलड को आप सीजनिंग कर सकते हैं, और सब्जियों के साथ आप अपना लंच लें, और साथ में चने और लोबिया जिस तरह से मैंने बताया वो भी ऐड ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपका इवनिंग स्नैक है, जो 4 से 5 बजे के वक्त में आते हैं, उस टाइम पे आप एक फल ले सकते हैं, या 1 से 2 फल आप इस्तेमाल करें, जिस तरह से मैंने बताया कि सेब ले लें, अमरूद ले सकते हैं, मौसमी ले सकते हैं, नाशपाती ले सकते हैं। उसके अलावा इस टाइम के ऊपर मैं ग्रीन टी ज़रूर रिकमेंड करती हूँ, लेकिन अगर आपको ग्रीन टी नहीं पसंद और आप चाय कंज्यूम करते हैं, तो 1 कप चाय का आप फल कंजम्पशन के आधे से 1 घंटे के बाद कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन उसमें चीनी का ऐड होना या ना ऐड होना वो आपके कंसल्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि जिस तरह से मैंने बताया कि जब हम बहुत ज़्यादा रिफाइंड चीज़ें खाते हैं, मैदे वाली चीज़ें खाते हैं, चीनी वाली चीज़ें खाते हैं, वो हमारी बॉडी में जाकर अगेन फैट के फॉर्म में स्टोर होती हैं। अगर आपको डायबिटीज़ का मसला नहीं है, आप उसमें शहद ऐड ऑन कर सकते हैं, क्योंकि शहद जो है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है हमारी आर्टरीज़ की, हमारी वेसल्स की हेल्थ के लिए। अगर आप चाय भी कंज्यूम नहीं करते, आपको ग्रीन टी भी नहीं पसंद, तो इस टाइम पे आप सेब के सिरका 1 चम्मच 1 ग्लास पानी में डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि सेब के सिरके की प्रॉपर्टी है कि वो बैड कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स को हमारी बॉडी में कम करता है। और जिस तरह से मैंने बताया कि ब्लड प्रेशर उन्हीं लोगों का ज़्यादा बढ़ रहा होता है जिनके अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा होती है, सो सेब का सिरका आप इस टाइम पे ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जब मैं डिनर के टाइम पे आती हूँ, तो डिनर में मैं रोटी ज़रूर रिकमेंड करती हूँ, और रोटी जिस तरह से मैंने बताया कि आपने होल व्हीट आटे की ही कंज्यूम करनी है, तो बिल्कुल उस तरह से आपने वो कंज्यूम करनी है, मैदे वाले आटे की इस्तेमाल नहीं करनी, क्योंकि वो अगेन फैट के फॉर्म में स्टोर होगा। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लोग रेड मीट का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, पाए का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, सो डिनर में आपने कोशिश ये करनी है कि आपने रेड मीट का इस्तेमाल नहीं करना, आपने मटन का इस्तेमाल, बीफ का इस्तेमाल, पाए का इस्तेमाल, इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना। आपने मछली का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चिकन का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वांटिटी मैं बता देती हूँ, अगर आपने
चिकन इस्तेमाल करना है तो आपका जो लेग पीस वाला पोर्शन है उतनी साइज़ की मीट इस्तेमाल करनी है, और सेम केस फिश के साथ है, सिर्फ 3 ounce फिश जो है आप डिनर में इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। अब यहाँ पर बिल्कुल मेरा ये मतलब नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा फ्राइड फिश कंज्यूम करें, क्योंकि फ़िश में जैसे मैंने बताया कि गुड फैट्स होते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, तो अगर आप फ़िश को बहुत ज़्यादा डीप फ्राइड करते हैं, और हमारे यहाँ एक प्रैक्टिस बहुत कॉमन है कि हम ऑयल को 3 से 4 मरतबा फ्राई करने के अलावा 10 मरतबा भी फ्राइंग कर रहे होते हैं, सो वो एक ख़राब प्रैक्टिस है। आपने अगर फ़िश फ्राइड फॉर्म में कंज्यूम करनी है तो कोशिश करें कि सरसों के तेल में उसको फ्राई करें, और सिर्फ 2 मरतबा उस ऑयल को फ्राइंग के लिए यूज़ करें। इसके अलावा ज़्यादा मरतबा आप यूज़ करेंगे तो आपकी फ़िश के थ्रू जो गुड फैट्स आपके अंदर जाने हैं वो भी आपके लिए नुकसानदेह हो जाएंगे। सो अगर फ्राइंग की तरफ जाना है तो सरसों के तेल को इस्तेमाल करें, और अगर ज़्यादा दफ़ा आप उसको इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए वो नुकसानदेह भी हो सकता है। सो 2 मरतबा की फ्राइंग आपके लिए बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा डिनर में आपने कोशिश ये करनी है कि आपने दही का इस्तेमाल लाजमी रखना है, और उसके अंदर आपने पुदीने की चटनी ज़रूर ऐड ऑन करनी है, और दही भी लो फैट योगर्ट ही होना चाहिए। जैसे मैंने बताया तरीका कि आपने उसको लो फैट किस तरह से करना है, तो उस तरीके के थ्रू आपने योगर्ट कंज्यूम करना है। इसके अलावा रात सोने से पहले 9:30 बजे के वक्त में 1 glass नीम गर्म दूध का और उसमें 1 चम्मच इसबगोल का छिलका डालकर ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि इसके इस्तेमाल से ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा कंट्रोल रेंजेस में आना शुरू हो जाता है, लेकिन दूध बिल्कुल लो फैट होना चाहिए, वो बिल्कुल होल मिल्क नहीं होना चाहिए। सो अगर एक हाइपरटेंसिव पेशेंट पूरे दिन में ये डाइट प्लान फॉलो करता है तो इसके इस्तेमाल से आपका ब्लड प्रेशर बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल रेंजेस में आना शुरू हो जाएगा और बढ़ने की तरफ जाने से रुक जाएगा। हम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।